हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से आप लोग अरबी के पत्ते की सब्जी बना सकते हैं या पकोड़े बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं और मेरी मम्मी बना रहे हैं, मतलब मम्मी ने ज़्यादा काम किया है, मैंने कम किया है, लेकिन दोनों ने साथ मिलकर ही ये सब्जी तैयार की है, सब्जी और पकौड़े। तो वो कैसे बने वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और देखिए, नॉर्मल घर में जैसी चीज़ें होती हैं, जैसा सामान होता है, उसी के हिसाब से हम लोगों ने बनाया है। तो जैसा भी है वीडियो में देखो, सीखो, और अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बताओ। और कैसा लगा देखने में ये भी जरूर बताइए, क्योंकि टेस्ट में तो सिर्फ मुझे ही पता चला या हम लोगों को ही पता चला जब हमने खाया, और टेस्ट अच्छा था। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोगों ने बनाया है तो भी आप लोग बताएं कि किस तरीके से आप लोग बनाते हैं। और आपने अगर वीडियो देख के ट्राई करना है तो बिल्कुल ट्राई करें, जैसा वीडियो में दिखाया है वैसे आप लोग ट्राई करें, बनाएं, और कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आपको बनाने हैं अरबी के पत्ते के पकौड़े या सब्जी। ये ऐसे बनेंगे, फिर सब बहुत सारे बनेंगे ऐसे, फिर इनको जितने ये सारे हैं सारे बनेंगे, फिर इनको मैं पानी रखूँगी, फिर ऊपर भाप से पकाऊंगी, फिर इनको काटूंगी दांत से, पीस बनाऊंगी जैसे पनीर के पीस बनते हैं, फिर मैं इनको फ्राई करूंगी, फ्राई करके इनको निकाल के फिर मैं ये इसमें क्या क्या मिला रखा है, इसमें मसाले हैं सारे, नमक मिर्च धनिया पाउडर हल्दी सब, बाकी मसाले में डालूँगी, सब मसाले में डालूँगी, और पेस्ट डालूँगी अदरक लहसुन का, प्याज टमाटर का मसाला बना के इनके पीस बना के फ्राई करके फिर मैं मसाला बनाऊँगी। अभी ये ऐसे रखने, और ऐसे रखने के बाद फिर इन्हें तलना है, तलना है या वो भाप लगानी, भाप लगानी है, तले तो ये अभी बहुत टाइम लगेगा, तब जाके तले जाएंगे। ये पेस्ट को ज्यादा ही हल्का नहीं हो गया? नहीं, हल्का ही होता है, नहीं तो मोटा होगा तो फिर बेसन बेसन दिखेगा, इसमें पता लग जाएगा अरबी के पत्ते भी है इनमें बैठ रहा है, अंदर भी बेसन भी बैठ रहा है। तो अच्छे से इस पे तेल लगाना है, पहले तेल लगाने के बाद इन्हें उठा करके इस पे रखना है और इन्हें भाप देना है, यानी कि स्टीम देना है। मेरा पानी गरम, इसको जरा गरम होने दूंगी। पानी गरम होने पर यहाँ पर एहसास हो जाएगा, अभी इतना नहीं है, सिर्फ नीचे से भाप। और ये ऐसे रखे रखे थोड़ी देर बाद जमना शुरू हो जाता है, ये इसमें चिपक जाएगा, सब हो जाएंगे टेढ़े हो जाएंगे, फिर मैं इनको पलट दूंगी प्लेट को, जो दो और बनाने हैं तो और डालूंगी, मैं तो इनको पलट के और इन्हें निकालूंगी, तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा और ऐसे डालनी ही, कोने में रखोगे तो वो फिर कोई नहीं, वो तो हो जाएंगे, अब ये नीचे टपकेगा, जो नहीं टपकेगा वो भाप आ रहा है नीचे से, वो रोक लेगा इसको। ये हमारी पहाड़ी सब्जी है, खाते हुए तो देखा नहीं कभी गांव में किसी को,
हम उस मौसम में जाते नहीं ना जब अरबी का टाइम होता। आजकल है, आजकल हम जाते इस तरीके से बना के खाते हैं। गांव में भी खाते हैं बना के। जिनको अगर शौक है खाने का ऐसे बनाने का, तो मैं तो वहाँ तो काट के और बारीक बारीक पीस के ऐसे ही खा लेते हैं उनकी, मतलब वो बना के साग बना के। पानी गर्म हो गया, ये भाप आती हुई भी दिख रही है। भाप आ गया, अभी पकने लग जाएंगे। कितनी देर पकाना है इसको? 5 मिनट तक, 5 मिनट में हो जाएगा। गर्म हो गया पानी, अभी मैं सारे रखूँगी, तब तक चाहिए बनेंगी, फिर मैं और तैयार करूँगी। कितना टाइम लगेगा अभी इन्हें तैयार होने में? 5 मिनट तो लगेंगे ही। 5 से 10 मिनट में तैयार ऐसे हो जाएंगे। तो मैं इसे ढक दूंगी ऐसे करके, हो जाएगा तैयार। बने मोमोस। सबको पलटना है, सबको पलटना है, सबको पलट लेंगे ताकि ये दूसरी साइड भी पक जाए। अब इसको इस तरीके से कितनी देर रखना है? बस 10-15 मिनट ऐसे रखना है अभी, थोड़ा हवा लग जाएगी और ये ज़्यादा फिर थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। अभी इनमें से भाप आ रही है। छोटे छोटे पीस बनाऊंगी तो अच्छे बनेंगे, करारे बनेंगे। इसके छोटे छोटे पीस करने हैं अब, और फिर इसको इसके बाद फ्राई करना है। फ्राई करूंगी, मसाला वसाला बना के फिर ऐसे बनाऊंगी इसको। अब ये जितने बनाए थे सब काट के रख लिए हैं, अब इनको फ्राई करना है। सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बाकी जो मर्जी तेल इस्तेमाल करो। तेल गर्म हो गया है, तेल में छोड़ देती हूँ अच्छे से। बहुत अच्छा नीचे भरो, दो बार भी करेंगे, एक बार भी ज़्यादा हो जाएगी। कितनी देर तक तलना है इसको? जब तक करारे बनेंगे तब तक मैं इनको। करारे क्या देखने में करारे लगेंगे? जो थोड़ा नहीं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब। मैं इनको तो अभी प्याज को काटना है बारीक, इसमें काटूंगा मैं। और ये रहा,
तो ये प्याज का पेस्ट हो गया है तैयार। फ्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, और आगे काम मसाले का है, जो भी मसाले हैं ये। हींग पन्नी में रखी है और हींग के डब्बे में सरसों। तो नॉर्मल घरों में इसी तरीके से होता है, चाहे बर्तन हो या इस्तेमाल करने वाली चीजें। ये हींग का डब्बा है, लेकिन इसके डब्बे में सरसों है और हींग का पैकेट ये रहा। अब गर्म हो चुका है तेल, ये दो प्याज हैं। इसको कितनी देर तक तलना है? इनको अच्छे से पकाऊंगी पहले, प्याजों को कलर चेंज हो जाएगा। ये भी ब्राउन होने तक तलने हैं, और साथ में फिर मसाले डालने हैं या मसाले बाद में तलने के बाद? मसाले डालेंगे पहले, प्याज टमाटर का मसाला डालूंगी, उसके साथ ही मैं सारे मसाले डाल दूंगी। तो ये अभी फ्राई होके तैयार हो चुका है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो। एक बार खाना शुरू करोगे तो हो सकता है ये इतने में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, करारे हैं, क्रंची हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो रहा है अभी भी, तो खा सकते हो। बाकी मसाला डलेगा यहाँ पर, तो अभी इसे ऐसे भी खा सकते हैं। काफ़ी करारा हो रहा है ये, बस फोकस नहीं हो रहा, तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और ये तैयार हो गया है ग्रेवी का काम। इसमें टमाटर हैं, अदरक है, लहसुन है, और बस ये तीन चीज़ें इसमें हैं। बाकी कुछ इसमें हैं, कुछ इसमें हैं, और फाइनली इसमें है। तो ये अभी और फ्राई करना है या इतना हो गया? थोड़ा सा करेंगे अभी, ये तो सब्जी में कलर भी जाएगा। अभी 5 मिनट के आसपास, और 5-10 मिनट लगभग इसे और फ्राई करना है हल्की आँच में। हाँ, नहीं ज़्यादा तेज़ कर रखा है, अगर जल्दी हो जाएगा। गरम मसाला 2 चम्मच धनिया पाउडर, अच्छा धनिया, और थोड़ा मिर्च, और हल्दी डालूंगी। नमक ज़्यादा मत रखना, नमक ठीक है। ठीक है, ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी। इतना ये बात, और कुछ बच रहा है? नहीं, और गरम मसाले वगैरह नहीं डालेंगे। इतना गरम तो हो गया। इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी, ये तेल छोड़ देगा, और मैं थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी। ग्रेवी बन तो गई नहीं, इसको अभी मैं सुखाऊंगी, तेल छोड़ देगा ये, फिर मैं पानी डाल के थोड़ा सा बनाऊंगी ग्रेवी, उसके बाद में ये सब छोड़ देंगे इसमें, तब उसके बाद डालना है ये इसमें। तो आप लोग इसमें मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अभी थोड़ा पानी मिला दिया है यहाँ पर, और अब जब ये पानी थोड़ा सूख जाएगा फिर उसके बाद ये मिलाना है इसमें। तो अब ये थोड़ा हल्की सी तरी बन गई है, जो कि इनको थोड़ा और सॉफ्ट बनाएगी जब ये हम इसमें डालेंगे। तैयार हो गई, अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने फ्राई करी।
इसे कितनी देर तक पकने के लिए छोड़ना है? थोड़ा सा इसका पानी सूख जाए, थोड़ी देर, 5 मिनट। सब्जी तैयार। थोड़ा सा पानी सूखा सा हो जाएगा, सूख जाएगा पानी, अच्छे लगेंगे खाने में। तो हो गया तैयार, अब बस थोड़ी देर इसे ड्राई करना है, थोड़ा सा सुखाना है और उसके बाद तैयार खाने के लिए। तैयार